दोस्तों, ये बर्फीली चोटियाँ और ये बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर आप लोगों का हौसला कम कर सकते हैं, पर आप लोगों को महादेव का नाम लेके आगे बढ़ना होता है और आपकी जो मंजिल होती है, जहाँ आपको जाना होता है, आपको दृढ़ निश्चय करके, महादेव पर भरोसा करके, इन बर्फीले पहाड़ों से सामना करके बढ़ना होता है आगे। हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसे रास्ते में आपको बहुत ही ख़तरनाक और डरावने रास्ते मिलेंगे। देखिए, पूरा का पूरा ग्लेशियर आया हुआ है, ऊपर से एवलांच, उसकी वजह से जो रास्ता है वो पूरा टूट चुका है। और आप लोगों को ऊपर देख के संभल के जाना होता है, ऊपर भी नज़रें रखनी होती हैं, क्योंकि ये पत्थर है, ये कभी भी लुढ़क सकते हैं और आपको चोट लग सकती है, तो थोड़ा संभल के जाना होता है। और ये ग्लेशियर का पानी है जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये देखिए, पूरा ग्लेशियर से रास्ता बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो ऐसे कठिन रास्तों से होते हुए जाना होता है हमको वसुधारा झरने की तरफ। ये देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होते हुए रास्ता है वसुधारा के लिए। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया अभी वसुधारा। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता और भी कठिन होते जा रहा है। और यहाँ पर बर्फीली हवाएं और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा ठंडी होती रह रही हैं। ये आप सामने देख सकते हो, बहुत ही भयानक बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और ग्लेशियर यहाँ पर बने हुए हैं। बर्फ़ के सामने आप देख सकते हो, बहुत बड़े यहाँ पर ग्लेशियर हैं बर्फ़ के। पहाड़ों में आके ऐसे पागल हो जाते हैं लोग। तो उन शहरों में रहने, वहां रह के पागल होने से अच्छा तो है कि यहाँ महादेव के चरणों में पागल हो ना, तब तो कोई बात है। हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं वसुधारा वाटरफॉल में। आप मेरे सामने देख सकते हो, यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर है वसुधारा वाटरफॉल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा यहाँ से सामने जो बर्फ है, और ये रहा वसुधारा वाटरफॉल। मैं बिल्कुल पास जाके आपको इसको दिखाऊंगा। और ये जो रास्ता जाता है इस वाली पहाड़ी के पीछे, यहाँ जाता है सतोपन स्वर्गारोहणी के लिए, जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए थे। हम पहुंच चुके हैं वसुधारा झरने पे, और आप देख सकते हैं हमारे सामने है वो झरना, वो रहस्यमय झरना जिसके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि पापियों पे पानी नहीं पड़ता बोलते, तो चलिए देखते हैं कौन पापी है। तो दोस्तों देखिए, इस सामने है वसुधारा और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर 3 नाराएं बहती हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, सामने है वसुधारा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा वसुधारा झरना, जो कहा जाता है पापी के ऊपर इसकी एक भी बूंद नहीं गिरती है। और हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्लेशियर बना हुआ है और ऊपर से आ रहा है झरना। यहाँ पर 3 झरने हैं। कहा जाता है कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। यहाँ पर ये तीनों दिव्य ज्योति के रूप में आते हैं, और बहुत ही चमत्कारी ये झरना है। अब मैं बिल्कुल इसके पास में जाऊंगा और आपको दर्शन कराऊंगा, छू के दिखाऊंगा इस झरने के पानी को। देखते हैं ये मेरे ऊपर आता है या नहीं आता है। मैं बिल्कुल वसुधारा के नज़दीक में पहुंच गया हूं। आप देख सकते हो, यहां पर पूरा ग्लेशियर वाला रास्ता है। और ये रहा वसुधारा वाटरफॉल, जो बहुत ऊंचाई से आ रहा है।
दोस्तों लास्ट ग्लेशियर है वसुधारा पहुंचने के लिए हम पहुंच चुके हैं। अब हम झरने के पास चढ़ के दिखाएंगे। ये ग्लेशियर है जिसको क्रॉस करके हमें पहुंचना है इस झरने के नीचे। ये है वसुधारा फॉल जो साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर भगवान विष्णु दिव्य ज्योति के रूप में दर्शन देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मैं पहुँच गया हूँ वसुधारा के ग्लेशियर में और मेरे ठीक ऊपर बह रही है वसुधारा नारायण का साक्षात रूप। ये देखिए यहाँ पर कुछ भक्तजन आए हुए हैं और ये आ रही है ऊपर से बौछार है वसुधारा की। मैं पहुँच गई हूँ वसुधारा झरने पे जहाँ पे साक्षात विष्णु भगवान जी का रूप इन्हें बोला जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पे ज्योति के रूप में साक्षात विष्णु भगवान जी दिखते हैं। वो भी सभी को नहीं दिखते, जो बहुत ही भाग्यशाली होता है उन्हें दिखते हैं। अब मैं चढ़ रहा हूँ दोस्तों वसुधारा जो फॉल है झरना है उसके बिल्कुल करीब, उसको मैं छू के दिखाऊंगा उस झरने को। बहुत ही रोमांचक हमारी ये यात्रा है। देखिए आप रास्ता देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भक्त लोग ऊपर पहुँचे हुए हैं। बहुत ही खतरनाक और डरावनी ये यात्रा है। पूरे पत्थर आप देख सकते हो, एक भी पत्थर फिसला तो आपको चोट लग सकती है। मैं यहाँ पर चढ़ने में भी सांस फूल रही है। बहुत ही कठिन है ये वसुधारा की यात्रा। बस 50 मीटर दूर मैं हूँ। यहाँ पर एक एक कदम बढ़ने में सांस बहुत तेज फूलती है। दोस्तों ऊपर से इतना पानी आ रहा है झरने का, पर अभी तक एक भी बूंद यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों ऊपर से इतना पानी आ रहा है पर यहाँ पर अभी तक एक भी बूंद ने टच नहीं किया है। पता नहीं इतना पाप क्या किया है। देखते हैं अभी आगे जाके, कोशिश जारी है अपना पाप कम करने की। महादेव की कृपा, नारायण की क्या कृपा रहती है देखते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक एक कदम बढ़ने में सांस फूल रही है। ये भाई लोग आए हुए हैं बागेश्वर से, ये लोग भी पहुँचे हैं हमारे साथ में। हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ पर आ तो रही है बारिश की बौछार। ये देखिए ये भाई के ऊपर, ये भाई बागेश्वर से, इनके ऊपर पड़ चुके हैं पानी की बूंदें और ये भाई भी बागेश्वर से हैं। दोस्तों अब हमारा नंबर है, बस पहुंच गए हम जड़ पे। आप देख सकते हो जय बद्री विशाल हर हर महादेव। ये देखिए आ गई है बूंदे और हमने स्नान भी कर लिया है। हर हर महादेव। पूरा भीग चुका हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। एक हवा आई, पूरा एक झोंका आया बारिश का पूरा झरने से और भिगा के चले गया। हर हर महादेव। स्नान हो चुका है दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा रहस्यमय है। पूरी एक बौछार आई झरने की, फिर से आ गई है यहाँ पर। जय बद्री विशाल हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, सोचा नहीं था कि इतना खतरनाक यहाँ पर होगा। पूरा कैमरा भी भीग गया है और हम भी पूरे स्नान कर चुके हैं। अभी मैं खड़ी हूँ वसुधारा
वाटरफॉल पे। और दोस्तों बोला जाता है कि ये पानी की बूंदें उसी पर पड़ती है जो पापी नहीं होता, जो पापी होता है उस पर बिल्कुल एक बूंद भी नहीं पड़ती। आप ऊपर से देख सकते हैं इतना झरना नीचे की तरफ आ रहा है और हम पे पड़ चुकी है, हम पूरे गीले हो चुके हैं। तो ये सब साक्षात विष्णु भगवान जी की कृपा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो साक्षात यहाँ पे झरने में रोशनी के द्वारा दर्शन देते हैं। दोस्तों और एक और बात बता दूं, हम यहाँ पर अभी इतने देर से खड़े हैं, यहाँ पर अब नहीं आ रही हो पानी की बौछार। हम जैसे यहाँ पर पहुँचे एक इतना ज़्यादा पानी की बौछार का पूरा भंडर आया, हमको पूरा भिगा गया। और अब हम यहाँ पर खड़े हैं, अब नहीं आ रहा, तो वो पूरा आपके किस्मत के ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है कि कब वो आपके ऊपर आए या नहीं आए। हर हर महादेव। बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग हैं और पानी की बूंदें पड़ चुकी हैं। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं और स्नान भी कर लिया है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे पूरा एक झोंका आया झरने से और हमें पूरा स्नान करके गया, और उसके बाद फिर हम बहुत देर तक का खड़े रहे, फिर नहीं आया। तो मतलब दोस्तों ये ऐसा अनुभव है ना, हमने सोचा भी नीचे से तो ऐसे लग रहा था कि पानी की एक भी बूंद नहीं आएगी, क्योंकि झरना ऊपर से तो आ रहा है पर नीचे तक नहीं पहुंच रहा। पर जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे पूरा एक पानी का झोंका आया और पूरा का पूरा हमको स्नान। दोस्तों जो वसुधारा झरना है, पवित्र झरना, जिसको भगवान विष्णु का यहाँ पर साक्षात रूप माना जाता है, यहाँ पर भगवान विष्णु दिव्य ज्योति के रूप में यहाँ पर दर्शन देते हैं, हमने उसके दर्शन कर लिए हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा हम किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ पर जैसे ही पहुँचे यहाँ पर झरने क्या एक बौछार आई और पूरा हमको नहला के चले गई। आप देख सकते हो हम पूरे भीगे हुए हैं, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है वसुधारा झरना, जो भगवान विष्णु का दिव्य रूप यहाँ पर माना जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं बर्फ़ को। बहुत ही खतरनाक यहाँ पर जो अनुभव है दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत है, शब्दों में मैं उसको बिल्कुल साझा नहीं कर सकता, वो सिर्फ फील किया जा सकता है। जो हमने उसको फील किया बहुत ही खतरनाक। मैं ऊपर से पानी निकला ना, इतना ठंडा पानी, पूरे हाथ पैर सर पूरा जम गया, लेकिन बहुत शक्ति है यहाँ पे आके। दूर से तो ऐसा लगता है कि शायद पानी गिरेगा भी नहीं, लेकिन नज़दीक आके फिर पता चलता है कि बहुत ही अद्भुत है। पर दोस्तों हमने देखा और भी लोग थे वहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो पानी सबके ऊपर गिरता है और वो हर टाइम गिरता है, और हर टाइम गिरता है ऐसा नहीं है। वो पानी की बौछार होती है, वो जब आपके कर्म, आपके जो पापों की संख्या, वो सब कुछ काउंट होके भगवान विष्णु आपको स्नान कराते हैं। बहुत ही ज़्यादा पवित्र और सुंदर ये जगह, इसका मैं शब्दों में आपको, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप मेरी बात से अनुभव कर सकते हो कि ये जगह कितनी पवित्र और कितनी दर्शनीय है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको आना होता है माना विलेज, और माना विलेज से फिर 5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है वसुधारा झरना, जो मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा। अभी बहुत कुछ है वीडियो में, आप बने रहिए, देखिए कितना खतरनाक है ग्लेशियर है। हम चढ़े थे इस झरने के ऊपर, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही खतरनाक। देखिए इस पर चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चढ़ने से। ये देखिए ये फिसल गए हैं यहाँ पर, तो बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पे चलना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता जितना आसान लगता है। दोस्तों यहाँ पर 3 झरने बहते हैं, 1, 2 और एक इधर, तीसरा इधर है, 3 झरने हैं। कहा जाता है ये तीनों के तीनों जो झरने हैं वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के यहाँ पर दिव्य रूप में वो दर्शन देते हैं। सबसे पहले जो झरना पड़ता है वो है ब्रह्मा जी का, जिसमें ब्रह्मा जी यहाँ पर
आकर दिव्य रूप में यानी कि ज्योति रूप में यहाँ पर दर्शन देते हैं। उसके बाद आता है बीच वाला झरना जिसमें भगवान विष्णु नारायण भगवान यहाँ पर दिव्य ज्योति रूप में दर्शन देते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है महेश जी का जिसको भगवान शिव का जो वहाँ पर दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। तो ये देखिए ये पूरा ग्लेशियर हम क्रॉस करके ऊपर गए थे। ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा यहाँ पर हमारा जम्मू आ गया है। जम्मू ये देखो हमारा जम्मू है। ये जिमली ओ जिमली ले जिमली ले ले एक वो है और एक ये देखिए इनको पहाड़ों का शेर कहा जाता है। ये देखिए कुछ लोग जा रहे हैं ग्लेशियर को क्रॉस करके और ये ऊपर है वसुधारा। दोस्तों ये लड़की के हालात देख सकते हो। ये लड़की रोने लग गई है यहाँ पर। हाथ पूरे सुन्नी हो चुके हैं इसके और मेरे कानों से धुआं आ रहा है सच में। इतना ठंडा है दोस्तों यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। अब मैं इसको भगा भगा के जल्दी ले जाता हूँ नीचे। ये देखो बर्फीला तूफान आ गया है। भागो से बहुत बुरी हालत है। बहुत ठंड हो गई है यहाँ पर और मौसम आप देख सकते हो पूरा खराब हो गया है। ये देखिए पूरा का पूरा मौसम यहाँ पर खराब हो चुका है। हमें जाना होगा जल्दी से जल्दी। ये देखो दोस्तों बहुत बुरे हालत हो चुके हैं। ठंड से पूरे हाथ सुन्न हो चुके हैं क्योंकि जो ऊपर से पानी आता है ना दोस्तों बहुत ही ठंडा होता है। और वहाँ पे मैं आपसे एक जानकारी आपको देना चाहूंगी, आप जब भी यहाँ पे आते हैं ज्यादा देर तक वहाँ पे खड़े ना हो। अगर आपके पास कुछ ही क्षण के अंदर पानी गिर जाता है तो आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली माने और जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाए। ये देखो इस लड़की ने डरा डाल कर दिए यहाँ पर। बहुत बुरे हालत हो चुके हैं। ये लड़की रोने लग गई है यहाँ पर। देख सकते हो आप यहाँ पर कितना ज्यादा ठंडा है। हम हैं महादेव के भक्त ऐसे ही नहीं रोते दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ अभी वसुधारा झरने के पास में और मैं आया हूँ माना विलेज से वसुधारा। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो इधर ये वसुधारा मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। वसुधारा मैंने आपको दर्शन कराए थे और हम वहाँ पर पूरे झरने के जो पानी आता है उससे पूरा का पूरा हम वहाँ पर भीग गए थे। तो कहा जाता है जिसके ऊपर वो पानी पड़ता है वो पवित्र आत्मा होती है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कितने पवित्र है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबरों ने यहाँ पर गलत जानकारी दी गई है कि ये रास्ते से आप लोग स्वर्गारोहणी को जा सकते हो। बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि ये रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ दोस्तों। आप लोग यहाँ के रास्ते जो वसुधारा वाला रास्ता है यहाँ से आप स्वर्गारोहणी सतोपन ताल का जो ट्रैक होता है उसमें आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी आती है। वो नदी आप क्रॉस नहीं कर पाते हो। वो नदी डायरेक्ट ग्लेशियर से निकलती है और बहुत ज़्यादा उसका पानी ठंडा होता है। तो दोस्तों बहुत कुछ है जानने के लिए। आप लोग उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए जिन लोग को यहाँ पर अनुभव है। इस वो लोग पहले यहाँ आ चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे थंबनेल बन जाते हैं कि ये रास्ता स्वर्ग को गया है, ये रास्ता वसुधारा वाला स्वर्ग को गया। दोस्तों बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से स्वर्ग के जो सीढ़ियाँ हैं वो देखने के लिए यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते हो। ये रास्ता वहाँ नहीं जाता है। अगर आप सतोपन ताल स्वर्गारोहणी जाना चाहते हो तो आप माना विलेज से क्रॉस करके ITVP के कैंप से होते हुए वहाँ पर माता मूर्ति का मंदिर है। माता मूर्ति के मंदिर से होते हुए आपको लक्ष्मी वन जाना होता है। मेरे सामने है लक्ष्मी वन और लक्ष्मी वन से फिर क्रॉस करके ऊपर आता है सहस्त्रधारा जहाँ पर 100 झरने एक साथ में गिरते हैं। उसके बाद आता है चक्कर तीर्थ के बाद आता है सतोपन ताल के 5 किलोमीटर ऊपर पड़ती है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ जाने में लगभग आपको 4 दिन लगते हैं। तो बहुत कठिन यात्रा होती है। अभी तक मैं उस यात्रा को लगभग 3 बार कर चुका हूँ। अभी मैं कुछ ही दिनों के बाद फिर से जाने वाला हूँ। अगर आप लोग
आना चाहते हो मेरे साथ में तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों लोग वहाँ पर गए नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर हो गए, वो लोग देखा नहीं है, बस वो लोग थंबनेल और बता देते हैं कि वसुधारा से आप स्वर्ग को जा सकते हो। तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप बचिए ऐसे लोगों से, आपको गलत जानकारी देते हैं, फिर आप भटकते हो रास्ता, आपको पता नहीं होता कहाँ जाना होता है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं और भी बहुत कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ।